आपको बता दें कि सचिवालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए भवन का उद्घाटन किया। भवन के उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि कामकाज को ये नया ब्लॉक सुगम और आसान बनाएगा। राज्य आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43.7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म्स डेल भवन चरण 3 का लोकार्पण किया है। इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं और 123 चार पहिया और 60 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जनजातीय विकास कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, मीटिंग हॉल, अधिकारियों और वाहन चालकों के लिए कमरे और SBI और PNB की शाखाओं के विभिन्न कार्यालय हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से कार्य करने की सरकार की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने में कर्मचारियों के सहयोग के महत्व पर भी विशेष बल दिया। आपकी जेब में जीवन यापन के लिए अच्छे पैसे जेब में होने चाहिए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई बदलाव हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहे हैं, नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है, समाज में क्या बुराई है उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश है। और ये नहीं हम दिन रात छुट्टी वाले दिन बैठकर भी फैसला कर रहे कि करे वो काम हो, क्योंकि जिस स्थिति में हम है प्रत्येक हिमाचल वासी पर 93,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्ज है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है। और वाटर सेस हमने कहा कि हम पानी जो बिजली उत्पादन करते हैं जिनको 100% प्रॉफिट होता, 100%, हमने कहा कि आप 10 रुपए 100% में हमें तो दो। पानी हमारा, बहता सोना हमारा, डेकोरेशन के शहर हमारे बन रहे, उस लड़ाई में भी आपका साथ चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने हमें कुछ चिट्ठियां लिखी हैं, हम उसका कानूनी तौर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकार लेंगे। अगर हम आज अधिकार नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी में हमारे यहाँ हिमाचल से लोग चले जाएंगे, बच्चे घरों में रहना ही शुरू नहीं करेंगे। इसलिए हम IT में जहाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो हेल्थ का ऐसा हेल्थ टेक्नोलॉजी और हेल्थ टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, IT सेक्टर को कैसे लाना है, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। धरातल में आने में कम से कम 2 साल लगते हैं किसी चीज को आने में, लेकिन 4 साल में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा।